मैंने पहले वाले वीडियो जो बनाई थी जिसमें कि कटिहार जिला के कोढ़ा प्रखंड के कुर्सी नारायणपुर गांव में दहेज हत्या पर वीडियो बनाई थी। हम 2013 में लड़की का शादी किया था, कुर्सी नारायणपुर। कितना बार मारपीट किया, 3-4 बार गए उसका घर पर, वहाँ पंचायती किए, पंचायती में समझा बुझा के मिला जुला देता था। और इस बार जो है ये 17 तारीख से पहले मेरा बेटी को बहुत ज़ोर से पिटाई किया, गला उला तोड़ दिया था, पूरा सीना में मारा था, सीना फूल गया था। तो 17 तारीख को हम वहाँ से लाए। उसके बाद हम गरीब आदमी, हमारे पास पैसा उतना नहीं था, हम सोचे सरकारी अस्पताल में भर्ती कर देते, पूर्णिया सदर अस्पताल में भर्ती किए उसको, 18 को भर्ती किए, 19 को रहा, 20 को वो डेथ कर गया सुबह 5 बजे। मैंने ब्रह्मदेव दास के साथ कुछ लोगों के साथ जा कर के थाना प्रभारी से बात किए, थाना प्रभारी बोले कि ठीक है, हम जल्द ही उसको गिरफ्तार करेंगे। नविता देवी को फ़ोन किए, वो आया, उसके पास भी बयान दिए, तो वो हम मेरे साथ गया थाना, थाना में जाके बड़ा बाबू से बातचीत किया, वहाँ भी हम बयान दिए उसको, थाना का फोटो वोटो सारा चीज़ लिया। उसके बाद वो लोग जेल गया है, सबको जेल हो गया, सबको जेल हो गया, तीनों को जेल हो गया है। तीनों कौन कौन है उसमें? है अर्जुन दास, उसका माता वो गीता देवी, बहन जुनिया देवी, तीनों जेल में है अभी। तो आपको अब कैसा लग रहा है? अभी ऐसा लग रहा है कि वो तीनों का बेल नहीं होना चाहिए, तीनों को सजा का सजा होना चाहिए। का साथ कौन दिए? नविता देवी। कैसे मदद किए? बराबर उपास गया, वो बताया, वही सब लेके आए। तो क्या अब उसको सजा मिल गया है आपके दिमाग को? उसको सजा मिल गया है, हम यहाँ चाहते हूँ कि अब अंदर से बाहर नहीं होना। मैं नविता, गांव कुर्सी नारायणपुर प्रखंड कोढ़ा जिला कटिहार बिहार से, इंडिया अनहट के लिए।